नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अमिताभ और प्रियंका चोपड़ा हो सकते हैं अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर। खबर है कि केंद्र सरकार ने अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर के नाम तय कर लिए हैं। सूत्रों की माने तो प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन नए ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों के नामों का औपचारिक ऐलान 26 जनवरी के बाद होगा। यह पहला मौका है जब सरकार सीधे तौर पर ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त करेगी। दोनों को 3 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। दोनों ही कलाकार अतुल्य भारत के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। गौरतलब है कि अब तक अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे आमिर खान को सरकार ने आगे जारी नहीं रखने का फैसला किया है। पठानकोट हमला मामले में एसपी सलविंदर और दोस्तों के घरों पर छापे। पठानकोट आतंकी हमले की जांच करने वाली एनआईए टीम ने गुरुवार को पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह और उनके दोस्तों के घर और कार्यालयों समेत 5 स्थानों पर छापेमारी करके तलाशी ली। ये छापेमारी 2 जगहों पर की गई। सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने सिंह के अमृतसर और गुरदासपुर स्थित आवासों की तलाशी ली। एसपी के गुरदासपुर स्थित कार्यालय और उनके जौहरी मित्र राजेश वर्मा के आवास की भी तलाशी ली गई। केरल के अरबपति ने गार्ड को कार से कुचला था, अब उम्र कैद। आलीशान बंगले, खुद का स्टार होटल, 18 लग्जरी कारों का मालिक मोहम्मद निशाम अब हवालात में है। केरल की एक अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। अरबपति बीड़ी व्यवसायी निशाम को एक सुरक्षा गार्ड की हत्या के अपराध में दोषी ठहराया है। मामला पिछले साल 29 जनवरी का है, जब एक आलीशान आवासीय कॉम्प्लेक्स सुबह सिटी का दरवाजा खोलने में देरी पर कथित रूप से नाराज होकर निशाम ने 51 साल के गार्ड चंद्रबोस को बुरी तरह से पीटने के बाद गाड़ी से कुचल दिया था। अदालत ने निशाम पर 71 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पठानकोट सीमा पर एक संदिग्ध ढेर, 2 पाकिस्तान भागे। पठानकोट में पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध को बीएसएफ के जवानों ने बीती रात मार गिराया, जबकि 2 पाकिस्तान भागने में कामयाब रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 संदिग्ध घुसपैठिया भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कयाफ लगाए जा रहे हैं कि पठानकोट हमले और उससे पहले गुरदासपुर हमले में भी आतंकियों ने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया होगा। प्रख्यात नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई का निधन। प्रख्यात नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई का गुरुवार को अहमदाबाद में निधन हो गया। वे 97 वर्ष की थी। आजादी के बाद देश की प्रख्यात नृत्यांगनाओं में से एक मृणालिनी साराभाई ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की छत्रछाया में नृत्य का प्रशिक्षण लिया था और देश विदेश में शास्त्रीय नृत्य को पहचान दिलाई थी। उन्होंने कम से कम 18,000 विद्यार्थियों को भरतनाट्यम और कथकली का प्रशिक्षण दिया था। श्रीमती साराभाई को पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला था और वह संगीत नाटक अकादमी की फेलो भी थी। तब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।